तो हेलो गेमर्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आनंद और आज के दिन मेरे पास आ चुका है टेक्नो की तरफ से आने वाला टेक्नो स्पार्क गो 2024 एडिशन। और आज हम लोग इस फोन का एक वीक अनबॉक्सिंग उसी के साथ एक बहुत ही धमाकेदार फ्री फायर टेस्ट करने वाले हैं इस फोन में। तो गाइस बॉक्स को अनबॉक्स करते सबसे पहले आप लोग को जो स्मार्टफोन है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर स्मार्टफोन के जो मतलब डिजाइन वगैरह है अभी उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग को एक 12 मंथ का वारंटी कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखने को मिलता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोग को एक केस कवर भी बॉक्स के साथ देखने को मिलता है। लिटरली गाइस केस की क्वालिटी काफी अच्छा दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग को एक 10 वॉट का एडाप्टर भी देखने को मिल जाता है जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है। और यहाँ पर आप लोग को एक टाइप सी केबल देखने को मिलता है। लिटरली गाइस इस प्राइस सेगमेंट में टाइप सी केबल देना काफी अच्छी बात है। और सेमीजेक्टर टूल को तो हम लोग भूल ही नहीं सकते। बाय द वे अगर लुक और डिजाइन के बारे में बात करें तो लिटरली ये फोन काफी प्रीमियम फील होता है गाइस। काफी प्रीमियम लुक और डिजाइन दिया गया है। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इस फोन में हम लोग फ्री फायर को इंस्टॉल करते हैं और गेम को ओपन करते हैं। सो गाइज यहाँ पर मैंने गेम को ओपन कर लिया है इस फोन में। और गाइज अभी मैं मैच ही सेट करने से पहले मैं आप लोग को अपना सेटिंग और सेंसिटिविटी और सारा चीज़ें दिखा देता हूँ कि मैं किस ग्राफिक्स पे खेलने वाला हूँ इस फोन में। अगर बात करें सेंसिटिविटी के बारे में तो मैं सारा का सारा सेंसिटिविटी 100% रखकर खेलूंगा। जो भी जनरल है, रेड डॉट है, 2x इसको पर सारा चीज़ 100% रहेगा। और डिस्प्ले की बात करें तो ग्राफिक्स क्या रहेगा तो गाइज ग्राफिक्स मैक्स रहेगा, हाई रेजोल्यूशन भी रहेगा, शैडो भी अंडर का फिल्टर भी उसी में रहेगा और हाई FPS भी आई रहेगा। ओवरऑल बोले तो गाइज सारा चीज़ हाई रखकर खेलने वाले हैं। पूरा एक्सट्रीम टेस्ट करेंगे और पूरा रियल और जेन्युइन रिव्यू देंगे। तो गाइज वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखना। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से हम लोग चलते हैं सबसे पहले मैच के फाइट वाले सीन पे। तो भाई लोग यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं मैच के फाइट वाले सीन पे। अभी गाइज आप लोग जो गेम प्ले देख रहे हैं वो गाइज खेला गया है टेक्नो की तरफ से आने वाला टेक्नो स्पार्क गो 2024 एडिशन वाला स्मार्टफोन में। और यहाँ पर गाइज आप लोग गेम प्ले वगैरह देख सकते हो और जो भी मतलब ग्राफिक्स वगैरह है वो गाइज देख सकते हो। और लिटरली गाइज मैं आप लोग को पहले बता दूँ कि जिस प्राइस सेगमेंट में ये फोन आता है उस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से इस फोन का जो डिज़ाइन है लिटरली काफ़ी ऑसम दिया गया है। और जो भी स्पेसिफिकेशन इस फोन में दिए गए हैं जैसे कि प्रोसेसर हो गया, डिस्प्ले हो गया और कैमरा वगैरह हो गया, बैटरी हो गया, उसी के साथ जो स्पीकर है इस फोन के और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, कैमरा वगैरह बहुत ही तगड़ा इस फोन में दिया गया है प्राइस रेंज के हिसाब से। लिटरली इस प्राइस सेगमेंट में इतना बढ़िया स्पेसिफिकेशन, मतलब मेरे को तो यही लगता है कि टेक्नो और एक इन्फिनिक्स यही दो ब्रांड है बहुत कम कम प्राइस में बहुत बढ़िया बढ़िया स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं अभी के टाइम पर। और आप ही लोग ऐसे मतलब कंपेयर करना अलग अलग ब्रांड से अभी के टाइम पर रियलमी और टेक्नो, इन्फिनिक्स और रियलमी भी गाइस काफ़ी टक्कर दे रहा है क्योंकि रियलमी भी काफ़ी मतलब बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन निकाल मतलब मार्केट में ला रहा है अपना अपना, जैसे कि रियलमी C55 लाया था और भी बहुत सारे मतलब फ़ोन ला रहा है अभी। गाइज अगर इस फोन के बारे में बात करें तो गाइज मैं आप लोग को इस वीडियो में सारा चीज़ बताऊंगा, आप लोग का सारा डाउट क्लियर होगा कि इस फोन में फ्री फायर कैसा चलता है, क्या लैग वगैरह करता है नहीं करता है, किस सेटिंग पे हम लोग इस फोन में फ्री फायर खेल पाएंगे, क्या मैक्स सेटिंग पे ये फोन हीट करता है या नहीं करता है, लैग करता है या नहीं करता है, और बैटरी ड्रेन कितना होता है, 1 घंटा लगातार गेमिंग करने पर बैटरी कितना ड्रेन होता है, वो सारा चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। पूरा आप लोग का सारा डाउट क्लियर होगा तो गाइज वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखना। आप लोगों से सिर्फ एक ही मतलब छोटा सा बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो गाइज प्लीज़ से कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग का छोटा भाई आप ही लोग वीडियो बनाता है तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार। और गाइज सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ गाइज बेल आइकन को प्लीज़ ऑल प्रेस कर देना। और एक और छोटा सा बस रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, क्योंकि गाइज अगर आप लोग लाइक करोगे तभी गाइज मेरे को मोटिवेशन मिलता है और तभी मेरे को पता चलता है कि कितने भाई लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। बाय द वे गाइज ये सारा चीज़ मेरे को उम्मीद है कि आप लोग कर दोगे। अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट के जो भी स्पेसिफिकेशन है, जो भी मतलब डिटेल है इस फोन का, सारा चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि इस फोन को आप लोग को गेमिंग के लिए परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइज अगर सबसे पहले बात करें इस फोन के प्राइस के बारे में, क्योंकि गाइज ये जो मतलब इस फोन का जो प्राइस है वही गाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो गाइज ये फोन आप लोग को अमेजोन पर देखने को मिल जाता है, वो भी गाइज मात्र और मात्र 6699 रुपीज़ में। और अगर आप लोग कोई बैंक कार्ड का जो मतलब बैंक कार्ड लगा देते हो मतलब परचेज करते टाइम, तो ये फोन आप लोग को मात्र और मात्र 6000 में पड़ जाएगा। और लिटरली 6000 में इस फोन में आप लोग को 3GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। प्लस गाइज आप लोग को इस फोन में मतलब रैम एक्सपेंड का भी ऑप्शन मतलब ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप लोग 6GB रैम कर सकते हो इस फोन में। तो ओवरऑल देखें तो 6GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज इस फोन में देखने को मिल जाता है मात्र और मात्र 6000 रुपये में। अगर उसी के साथ बात करें इस फोन के जो भी मतलब प्रोसेसर है उसके बारे में, क्योंकि यार जो प्रोसेसर होता है किसी भी फोन का वो गाइज मतलब सबसे मेन पार्ट होता है। तो गाइज इस फोन में आप लोग का आप लोग को देखने को मिल जाता है यूनिसॉक की तरफ से आने वाला यूनिसॉक T606 प्रोसेसर,
जो कि गाइज एक ओक्टा कोर प्रोसेसर है और लिटरली गाइज ये प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। गाइज मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप लोग मैक्स सेटिंग पूरा मतलब एकदम आसान मतलब एकदम बढ़िया तरीके से विदाउट फ्रेम ड्रॉप्स विदाउट लैगिंग के एकदम इजीली खेल पाओगे। मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि आप लोग अल्ट्रा और स्मूथ सेटिंग पे इन दोनों सेटिंग पे विदाउट लैगिंग और विदाउट फ्रेम ड्रॉप्स के इजीली खेल पाओगे और फोन उतना हीट भी नहीं होता है। अभी तो ठंडी का मौसम है तो उतना कोई फोन हीट नहीं होता है, बट गाइज ओवरऑल देखें तो अल्ट्रा के लिए ये फोन काफ़ी बढ़िया निकल आ जाता है और इस प्राइस सेगमेंट में गाइज मतलब ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा दिया गया है यार। अगर आप लोग का बजट पूरा टाइट है 6000 रुपये है ये तो इस मतलब फोन को आप लोग कंसिडर कर सकते हो अभी तक मतलब जितना मैंने बताया आप लोग को। अगर बात करें इस फोन के डिस्प्ले के बारे में तो गाइज इस फोन में आप लोग को डिस्प्ले भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। लिटरली इस फोन में आप लोग को 19 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अगर साइज़ की बात करें तो गाइज 6.56 इंच का डॉट इन डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 19 हर्ट्ज रिफ्रेशर के साथ आता है। लिटरली गाइज जो डिस्प्ले है 19 हर्ट्ज दिया गया है, इस प्राइस सेगमेंट में 19 हर्ट्ज देना काफ़ी अच्छी बात है यार। 19 हर्ट्ज के कारण काफ़ी स्मूथ ये फोन चलता है। ओवरऑल डिस्प्ले और प्रोसेसर काफ़ी अच्छा और काफ़ी तगड़ा दिया गया है प्राइस रेंज के हिसाब से। अगर बात करें इस फोन के बैटरी के बारे में तो गाइस बैटरी भी इस फोन में 5000 एमएच का दिया गया है विद टाइप सी केबल दिया गया है, मतलब टाइप सी केबल भी इस फोन के साथ मतलब बॉक्स में मिलता है जैसे कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में दिखाया, और 5000 एमएच का बैटरी है। बैटरी ड्रेन की बात करें तो गाइस एक घंटे में ये फोन 16-17% बैटरी ड्रेन करता है, हालांकि थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बैटरी ड्रेन करता है, बट गाइज मैक्स सेटिंग में मैंने मतलब मैक्स सेटिंग में मैं खेल कर बता रहा हूँ। अगर आप लोग अल्ट्रा या फिर स्मूथ देखेलोगे तो ये 14-15% बैटरी ड्रेन करता है। अगर इसी के साथ बात करें इस फोन के जो मतलब कैमरा है उसके बारे में तो गाइज इस फोन में आप लोगों को बैक में दो कैमरा देखने को मिल जाता है। 13 मेगापिक्सल का डुअल बैक में कैमरा देखने को मिलता है और फ्रंट में आप लोग को 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है। तो गाइज कैमरा भी इस फोन का डिसेंट दिया गया है, प्राइस रेंज के हिसाब से तो कैमरा काफ़ी तगड़ा दिया गया है। अगर बात करें इस फोन के और भी मतलब कुछ फीचर के बारे में तो गाइज इस फोन में आप लोग को एक जो मतलब जो स्पीकर है वो गाइज डुअल स्पीकर इस फोन में देखने को मिलता है और लिटरली इस प्राइस सेगमेंट में ये मतलब डुअल स्पीकर देना काफ़ी अच्छी बात है। देखो गाइज इस प्राइस सेगमेंट में ये एक बहुत ही बढ़िया मतलब डील निकल कर आ जाता है खासकर गेमिंग के लिए। अगर आप लोग का बजट पूरा टाइट है 6000 है तो गाइज इस फोन को आप लोग जरूर से कंसीडर कर सकते हो। तो गाइज यही था आज का वीडियो। जय हिंद जय भारत।